हेलो स्टूडेंट दिस इज योर मोरल वैल्यू क्लास टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर थ्री किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर बट द स्पाइडर डिड नॉट लॉस होप विथ उम डिटर्मिनेशन सी मेड एन एटेम फॉर द सेवेंथ टाइम लेकिन मकड़ी ने उम्मीद नहीं खोए निश्चय के साथ सातवीं बार प्रयास किया किंग ब्रूस हैड ऑलमोस्ट हिज ट्रैवल। ही सॉ द स्पाइडर बैलेंस इट्स ऑन द थीन थ्रेड एंड एक्सटेंड इन टू द इट टू द रॉकी वॉल ऑपोजिट इट राजा बुरुष अपना मुसीबत को भूल गया था उसने देखा कि मकड़ी पतली धागा पर खुद को संतुलित करती है और इसे फिर से चट्टानों तक बढ़ा देती है ही स्वंग हर सेल आउट आपुन सेल सिलेंडर लाइन डिड सीफेल एगेन नो द स्पाइडर कैरी द थ्रेड सेफली टू द केब वॉल एंड फ़ास्टन इट दे आर सक्सेसफुली फिर से, हुआ, uh, और से वो और फिर से चट्टानों की तरफ बढ़े वो फिर वो फिर गिर गया क्या नहीं मकड़ी ने धागे को गुफा की दीवार तक पहुँचाया और सफलता सपला तक त, 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 से वो बांध दिया सफलतापूर्वक बांध दिया ब्राभो लिटिल स्पाइडर एंड थैंक्स फॉर टीचिंग मी दैट आई मस्ट कीप ट्राइंग टिल आई आईट साउट द किंग ब्राभो छोटी मकड़ी धन्यवाद मुझे शिक्षा देते हुए कि मैं मुझे तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक सफल नहीं होता है बोल के वह राजा चिल्लाए चिल्ला उठे ही सो सो एरोस सो ही एरोस एंड कॉल हिज मेन टुगेदर ही टोल्ड देम टू हिज प्लान्स एंड सेंड देम आउट विथ होपफुल मैसेज टू चेयर हिज डिसेज सोल्जर वो उठो और अपने आदमी को वो उठा और अपने आदमी को एक साथ बुलाया और उसने अपनी योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें अपने निराश सैनिक को खुश करने के लिए आशापूर्वक संदेश के साथ भेजा सुन देर वॉज एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन अराउंड द सेवेंथ बैटल वॉज फॉट एंड हिज टाइम द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज फोर्स टू रिट्रीट बैक टू हिज ओन कंट्री इट वाज़ नॉट लॉन्ग बिफोर इंग्लैंड रिकोगनाइज स्कॉटलैंड एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री विथ किंग ब्रूस एंड इट्स राइटफुल किंग जल्दी ही उसने चारों तरफ चारों और बीरो को ए सेना को इकट्ठा किया सातवा लड़ाई लड़ी गई और इस बार इंग्लैंड के राजा को अपना देश वापस लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा इंग्लैंड द्वारा स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया जाने को में बहुत समय नहीं ना लगा ना नहीं था जिसमें किंग ब्रूस ने अपने असली राजा के रूप में जाना गया और आज तक स्कॉटलैंड की जीत और स्वतंत्रता का पता एंड एंड और टू दिस वेरी डे The victory of independence of Scotland is traced back to a spider who who kept trying again and again to spin her web and inspired Bruce, the King of Scotland. इस तरह क्या हुआ राजा किंग बड़ूस ने फिर अपना देश में आप बाप, वापस गए उसने फिर अपने साथी सात बार जो अटम लिया युद्ध किया उसके बाद वो जीते और उसने आप तो अभी जो इसका जीत के पीछे उसने ये अभी आस उसके असली राजा के रूप में जो था आज तक उसने आज तक स्कॉटलैंड के जीत के और स्वतंत्रता का पता मकड़ी से लगाया जाता है जो बार बार अपने जाल को घुमाने की कोशिश करती रही और बुरुस उससे प्रेरित होते रहा तो इस कहानी में ही बताया गया कि आदमी अगर कोशिश करे बार बार तो वो कभी भी हार नहीं सकते हैं जैसे राजा किंग ब्रूस ने एक मकड़ी से सीखे तो आप लोग को भी वही कहना है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कोई भी काम कठिन नहीं है अगर आदमी कोशिश करते रहे तो वो सफलता प्राप्त करते हैं तो आ ये कहानी यहीं पर समाप्त हुआ फिर हम नेक्स्ट दिन आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताएंगे थैंक यू